हेलो एवरीवन, आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक हमें अनअकैडमी फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाइए, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। या फिर आपके पास अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप है तो आप उस पर पुष्पराज राय सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको वहाँ पर बहुत सारे CSIR नेट, फिजिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, तो आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे CSIR नेट फिजिकल साइंस के पार्ट बी में जून 2017 में पूछा जा चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आई थिंक आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो सकती है ऐसे ऐसी का अगर प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि अ सॉलिड वर्टिकल रॉड ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ यंग्स मॉडुलस वाई। तो हमारे पास सपोज किया जा रहा है एक सॉलिड वर्टिकल रॉड है जिसकी लेंथ जो है कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारा कैपिटल ए है, और वो जो रॉड है वर्टिकल रॉड एक मटेरियल की बनी हुई है जिसका यंग मॉडुलस कैपिटल वाई है, एंड द रॉड इज लोडेड विथ द मास एम, और वो जो रॉड है उसका जो मास है दोस्तों वो कैपिटल एम है, एंड एज अ रिजल्ट एक्सटेंड्स बाई अ स्मॉल अमाउंट डेल एल इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। और अगर हम यहाँ पे देखें, बोला जा रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो हमारा रॉड है वो कितने अमाउंट में एक्सटेंड हो रही है, तो एक स्मॉल अमाउंट है डेल एल उसमें एक्सटेंड हो जा रही है, ठीक है। देन द मास इज सडनली रिड्यूस्ड टू एम बाई टू। तो इस वाली कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जब हमारा जो रॉड है स्मॉल अमाउंट में एक्सटेंड करता है डेल एल, तब हमारा जो मास है उसका एम से एम बाई टू हो जाता है, ओके। तो एज अ रिजल्ट द रॉड विल अंडरगो लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन विथ एन एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना है दोस्तों, और इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमारे फॉर्मूला अप्लाई होते हैं और इसमें क्या क्या सीखने को आपको मिलेगा, ओके। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो पता है वैल्यू होती है हमारी यंग मॉडुलस कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो कैपिटल वाई हम यंग मॉडुलस को बोलते हैं, और इसी के इज इक्वल टू होता है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन इन इज इक्वल टू मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है जो हमारी स्ट्रेन होता है, और ये हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम चाहें यहाँ से दोस्तों, तो हम यहाँ से कैपिटल एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। ये कैपिटल वाई यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम कैपिटल एफ मतलब फोर्स इज इक्वल टू यंग मॉडुलस एरिया डेल एल अपॉन एल, ओके। तो फाइनली हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारा फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इस वाले अगर साइन को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो हमारा यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है कैपिटल के। अब चाहे तो इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से रिप्रेजेंट मतलब इक्वेट कर सकते हैं, तो हमारा कैपिटल के जो वैल्यू है इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू हम यहाँ से इक्वेशन वन से वाई ए अपॉन एल फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमने अपने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी यहाँ पे पता कर ली है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अगर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन विथ एन एंगुलर फ्रिक्वेंसी दिस ओमेगा इज इक्वल टू हमारा होता है अंडर रूट स्प्रिंग कांस्टेंट अपॉन रिड्यूस्ड मास। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा क्या था, वाई ए अपॉन एल, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, एंड हमारा रिड्यूस्ड मास क्या था, एम बाई टू। तो हमारा यहाँ पे जो एम बाई टू है उसका जो टू है ऊपर चला जाएगा, ओके। तो टू वाई ए अपॉन एम एल, तो हमारा जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है दोस्तों वो हमारी अंडर टू वाई ए अपॉन एम एल आ चुकी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो टू वाई अंडर टू वाई ए अपॉन एम एल है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन ए हमारा इससे मिलता जुलता ऑप्शन लग रहा है, आंसर लग रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन ए है दोस्तों वो हमारा राइट आंसर होगा, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक
आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और ऐसे ही अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक कर कमेंट करके बता दीजिए। वैसे मैं ऐसे प्रॉब्लम्स अपलोड करता रहूँगा वैसे, ठीक है। तो अगर आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है, उसके बारे में जानना है, सॉल्यूशन देखना है, तो आप हमें अन अकेडमी फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।